फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फेलियर टू सक्सेस में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको लाया हूँ WSP व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डिवाइस का भाग दो, जिसमें हम WSP के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, क्या इसका लाइन डायग्राम होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में जानकारी। दोस्तों, अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए दोस्तों, शुरू करता हूँ WSP भाग दो। तो दोस्तों, पहले भाग में मैंने आपको बताया था रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की कंडीशन VCM इक्वल टू आर ओमेगा और स्लिपिंग की कंडीशन VCM लेस देन आर ओमेगा। BCM यानी सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड है या जो चाल है वो रोटेशन स्पीड से अगर कम है तो उस कंडीशन में हमारा व्हील स्लिप कर जाएगा। और व्हील्स स्किड कब करेगा? अगर सेंटर ऑफ मास की स्पीड ज़्यादा हो गई रोटेशन से तो हमारा व्हील स्किड करेगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं कंपोनेंट्स की बात कर लेता हूँ। WSP में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, WSP मेन पार्ट्स, कौन कौन से पार्ट्स हैं WSP के, तो देख लीजिए दोस्तों WSP के मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो हमारा स्पीड सेंसर हो गया, स्पीड सेंसर, इसको मैं शॉर्ट में SS लिख देता हूँ। इनकी क्वांटिटी 4 होती है, ये 4 संख्या में 4 होते हैं। 24 वोल्ट पे ये ऑपरेट होते हैं, 24 वोल्ट का वोल्टेज इनके लिए चाहिए। दूसरा नंबर हमारा हो गया फोनिक व्हील, शॉर्ट में मैं इसको PW लिख ले रहा हूँ। ये भी हमारे 4 चाहिए, हर एक्सेल पे एक फोनिक व्हील होगा और एक एक स्पीड सेंसर, 4 एक्सेल होंगे, 4 हमारे स्पीड सेंसर, 4 फोनिक व्हील। नंबर 3 जो हमारा हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर MP लिख सकता हूँ उसको शॉर्ट में। ये हमारा केवल एक ही होता है और पूरे कोच में केवल एक लगा जाता है। नंबर 4 हो जाएगा हमारा प्रेशर स्विच PS लिख लेता हूँ इसको। ये शॉर्ट में नोटिफिकेशन मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये डायग्राम में यूज होंगे। ये भी हमारा एक होता है। प्रेशर स्विच का काम क्या होता है, ये हमारा जो ब्रेक कंट्रोल पैनल होता है उसमें लगा होता है। इसका काम है कि माइक्रो प्रेशर को हमें ऑन करना है और ऑफ करना है। तो माइक्रो प्रेशर कब ऑन होगा कब ऑफ होगा ये प्रेशर स्विच डिसाइड करेगा। अच्छा, ये WSP डिवाइसेस दो कंपनियां बनाती हैं, नॉर्बेम से और फैबली। तो अलग अलग कंपनी के लिए जो प्रेशर स्विच हैं उनकी जो प्रेशर की जो लिमिट है वो अलग अलग है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जो नॉर्बेम से कंपनी है उसका जो प्रेशर स्विच जो काम करता है वो 0.2 से 0.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर जब ये ब्रेक पाइप में होगा। ब्रेक पाइप में जब भी प्रेशर इतना हो जाएगा माइक्रो प्रेशर ऑन हो जाएगा। जबकि फैबली जो है, फैबली कंपनी का जो है वो हमारा 1.5 से 1.7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये फीड पाइप के प्रेशर पर। जब भी फीड पाइप का प्रेशर 1.5 से 1.7 हो जाएगा प्रेशर स्विच एक्टिवेट होके माइक्रो प्रेशर को ऑन कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों की क्वांटिटी एक एक है। इसके अलावा नंबर 5 डंप वॉल DMV लिख देता हूँ इसको शॉर्ट में। DM से डंप वॉल हो गया, DV लिखता तो वो DV एक अलग डिस्ट्रीब्यूटर वॉल होता। ये हमारे 4 होते हैं। ठीक है, हर एक्सेल के लिए हमारा एक एक डंप वॉल यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, डंप वॉल के बारे में बता दूं क्या होता है डंप वॉल। डंप वॉल को हम एंटी स्किड वॉल भी बोलते हैं, एंटी स्किड वॉल, ये डंप वॉल का ही नाम है। ये तो इसके मेन पार्ट्स हो गए। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसका आपको लाइन डायग्राम जो कि मैंने पहले से बना रखा है, अब मैं वो लाइन डायग्राम में आपको इन पांचों कंपोनेंट्स, पांच में से एक कंपोनेंट तो आपको नहीं मिलेगा, प्रेशर स्विच
प्रेशर स्विच कहाँ मैंने बताया, ब्रेक कंट्रोल पैनल में होता है। ब्रेक कंट्रोल पैनल एक अलग जगह अलग यूनिट रहती है, एक जो कोच में फिट होता है तो वो यहाँ वहाँ पे मिलेगा। बाकी चार कंपोनेंट मैं आपको लाइन डायग्राम में दिखाता हूँ किस तरह से इनका कनेक्शन होता है, कैसे काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये एक WSP का लाइन डायग्राम बनाया गया है। माइक्रो प्रोसेसर, एक माइक्रो प्रोसेसर ये हमारा एक दिख रहा है। ये डंप वॉल DMB 1, DMB 2, DMB 3, DMV 4, चार डंप वॉल हो गए हमारे। ये मैंने आपको दो व्हील, ये एक एक्सेल, तो एक्सेल 1 लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं, एक्सेल 1, एक्सेल 2, एक्सेल 3, एक्सेल 4, ये आप समझ पा रहे होंगे। ये व्हील है मेरे, व्हील की जो एक्सेल है इसके एक छोर पर PW फोनिक व्हील 1, फोनिक व्हील 1 हो गया, SS स्पीड सेंसर 1, तो एक फोनिक व्हील और एक स्पीड सेंसर ये हमारे लगे हुए हैं, दूसरा फोनिक व्हील और स्पीड सेंसर यहाँ लगा हुआ है, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, मैंने यहाँ नाम नहीं लिखे हैं, ये तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, एक्सेल 3, एक्सेल 4। ठीक है, कनेक्शन देख लीजिए किस तरह से कनेक्शन किए गए हैं। यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व लगाया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व का कनेक्शन, ये मैंने DB का कनेक्शन। नॉर्मल जो हमारा ब्रेकिंग सिस्टम यूज होता है ICF कोचिंग में, उसमें DB ब्रेक सिलेंडर, ये जो हमारे हैं LHB कोचिंग में, आप जानते होंगे कि हर एक्सेल पे दो ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं, एक ये है और एक ब्रेक सिलेंडर ये है, इस एक्सेल पे भी दो ब्रेक सिलेंडर, यहां पर भी दो ब्रेक सिलेंडर, यहां पर भी, तो टोटल एक कोच में 4-8 ब्रेक सिलेंडर एक ट्रॉली पर, ये हमारी एक ट्रॉली या एक बोगी हो गई, ये दूसरी ट्रॉली या दूसरी बोगी हो गई, तो इसमें 4 ब्रेक सिलेंडर है और यहाँ पर भी 4 ब्रेक सिलेंडर है, तो इन दोनों ब्रेक सिलेंडर से डंप वॉल का कनेक्शन है। डंप वॉल क्या है, डंप वॉल में क्या क्या, कितने इनपुट हैं, कितने आउटपुट हैं, तो देखिए डंप वॉल में एक कनेक्शन ब्रेक सिलेंडर का हो गया, दूसरा एग्जॉस्ट पोर्ट है इसका, तीसरा ये नंबर 1 लिखा हुआ है, और एक चौथा कनेक्शन ये जो DB से है। तो नॉर्मल जो हमारा ICF कोचेज रहते हैं, नॉर्मल में क्या रहता है, जो DB रहता है वो सीधी ब्रेक सिलेंडर से कनेक्ट रहता है, लेकिन यहाँ पर हमने एक बीच में डंप वॉल लगाया हुआ है। अब ये डंप वॉल का काम क्या है, डंप वॉल कैसे काम करता है, तो इसके लिए क्या है, डंप वॉल को सिग्नल कहाँ से मिलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर से। ये नंबर 1 लिखा है, यानी 1 का इसका कनेक्शन इससे होगा, मैं यहाँ पे आपको डैश डैश करके इसका कनेक्शन दिखा दे रहा हूँ, मैंने इसलिए कनेक्शन नहीं किया ताकि ये बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड जैसा हो जाता तो आपको समझ में नहीं आता। नंबर 2 का कनेक्शन यहाँ से हो जाएगा, नंबर 3 ये कनेक्शन ऐसे हो जाएगा, नंबर 4 इसका कनेक्शन ये हो जाएगा, ये चारों के डंप वॉल के कनेक्शन, 1 ये हो गया, दूसरा इस तरह से, तीसरा ये, चौथा ये, माइक्रो प्रोसेसर से सिग्नल डंप वॉल को मिलता है। अच्छा, माइक्रो प्रोसेसर को सिग्नल कहाँ से मिलेगा, तो ये देखिए स्पीड सेंसर फोनिक व्हील से, इनके बीच का गैप जो है उसको, गैप कितना रहता है, ये गैप जो हमारा है 0.9 से 1.4 mm का गैप स्पीड सेंसर फोनिक व्हील में, जो 80 दांते होते हैं उनके बीच के गैप को मीजर करता है, गैप इतना होता है उस गैप को मीजर करता है, और उससे एक्सेल की स्पीड कितनी है उसका सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर को भेजता है। इस तरह से हर स्पीड सेंसर माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्ट है, आप देख लीजिए, 1 ये, दूसरा ये, तीसरा और ये चौथा, चारों स्पीड सेंसर माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्टेड है। माइक्रो प्रोसेसर चारों एक्सेल की स्पीड को एनालिसिस करता है। मान लीजिए ये चारों स्पीड जो हैं, माइक्रो प्रोसेसर चारों स्पीड पर एक्सेल की V1, V2, V3, V4, ये चारों एक्सेल की स्पीड है, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, इन चारों स्पीड में देखता है कि सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है, जो सबसे ज़्यादा होगी Vmax उसको ये रेफरेंस स्पीड में लेगा। माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, प्रति चारों एक्सेल में से जिस एक्सेल की स्पीड ज़्यादा होगी उसे रेफरेंस मान लेगा, वी रेफरेंस, इसे मैं और सिंपल करके VR लिख देता हूँ, वी रेफरेंस मान लेगा, फिर ये इस स्पीड से कंपेयर करेगा
हर एक्सेल की स्पीड को। किस तरह से कंपेयर करेगा उसका अलग फॉर्मूला है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वो क्या फॉर्मूला है, किस तरह से वो स्पीड को कंट्रोल करता है। इस वीडियो में हम केवल इतना समझ लेते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर जो है इन चारों एक्सेल की स्पीड में से जो मैक्सिमम है उसे रेफरेंस मान लेगा, रेफरेंस स्पीड से एक्सेल की स्पीड का कंपेरिजन करेगा। अगर किसी एक्सेल की स्पीड रेफरेंस स्पीड से ज़्यादा है तो क्या करेगा, उस एक्सेल पे ब्रेक अप्लाई हो जाएंगे ताकि उसमें स्पीड उसकी कंट्रोल हो जाए। जिस एक्सेल की स्पीड कम होगी उसमें ब्रेक सिलेंडर से प्रेशर हटा लेगा ताकि उसकी स्पीड ज़्यादा की जा सके। तो अब ये काम कैसे करेगा, डंप वॉल्व, माइक्रोप्रोसेसर डंप वॉल्व को कैसे काम करेगा डंप वॉल्व। तो डंप वॉल्व को सिग्नल सबसे पहले तो माइक्रोप्रोसेसर में एक्सेल से स्पीड सेंसर के थ्रू सिग्नल पहुंच रहे हैं, माइक्रोप्रोसेसर से सिग्नल डंप वॉल्व में आएगा। डंप वॉल्व को क्या सिग्नल मिला, डंप वॉल्व को सिग्नल मिला कि एक्सेल वन की स्पीड ज़्यादा है, तो क्या करेगा डंप वॉल्व डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व को कनेक्ट कर देगा ब्रेक सिलेंडर से। यहाँ पर ब्रेक सिलेंडर लगे हैं, ये क्या है, ब्रेक डिस्क है, ठीक है। LHB कोचिंग में डिस्क ब्रेक सिस्टम यूज किया जाता है, तो ये उसकी दो डिस्क दिखाई गई हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व को डंप वॉल्व ब्रेक सिलेंडर से कनेक्ट कर देगा, तो डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व से प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में पहुंच जाएगा और यहां पर ब्रेक अप्लाई हो जाएंगे, यानी इसकी स्पीड कम हो जाएगी। कितनी कम होगी उसका फॉर्मूला नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अगर मान लिया एक्सेल टू की स्पीड कम है, एक्सेल टू की स्पीड कम है तो क्या होगा, उस कंडीशन में डंप वॉल्व को सिग्नल माइक्रोप्रोसेसर से मिलेगा कि एक्सेल टू की स्पीड कम है, किससे, रेफरेंस स्पीड से, रेफरेंस स्पीड या लोअर थ्रेशोल्ड, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको समझेंगे। इस एक्सेल की हमें स्पीड कम करनी है तो क्या करेगा, डंप वॉल्व डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व का कनेक्शन इससे कट कर देगा और ब्रेक सिलेंडर का कनेक्शन एग्जॉस्ट पोर्ट से जोड़ देगा, यानी ब्रेक सिलेंडर में अगर कोई प्रेशर होगा तो वो एटमोस्फेयर में चला जाएगा और यहाँ पर ब्रेक हमारे रिलीज हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि LHB कोचेज में ब्रेक सिलेंडर में कुछ ना कुछ प्रेशर हमेशा बना रहता है, वो प्रेशर डंप वॉल्व कंट्रोल करता है, कम करना है या प्रेशर बढ़ाना है डंप वॉल्व कंट्रोल करेगा। DB से कनेक्ट कर देगा ब्रेक सिलेंडर को, एग्जॉस्ट पोर्ट DB को ब्रेक सिलेंडर से कनेक्ट कर देगा तो ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर बढ़ जाएगा। DB को डंप वॉल्व ब्रेक सिलेंडर से डिस्कनेक्ट करके ब्रेक सिलेंडर को एग्जॉस्ट पोर्ट से कनेक्ट कर देगा तो ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर कम हो जाएगा। तो आपने इस वीडियो में देखा कि लाइन डायग्राम क्या है, कैसे काम करता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे कि किस प्रकार से कब स्पीड कम करेगा, कब स्पीड बढ़ाएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर।